सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लहसुन फ्लेवर वाली स्पेशल मुरमुरे की नमकीन। ये बहुत ही टेस्टी नमकीन है जिसे बनाने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को मीडियम फ्लेम पर सेट करके एक पैन रखेंगे और उसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद आप ऐड कीजिए 1/4 कप मूंगफली। मिक्स कर दीजिए इनको। यहाँ पर हम इन्हें ऐसे ही लगातार चम्मच से चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये नमकीन काफ़ी कम तेल में बन जाती है और लहसुन का ज़बरदस्त फ्लेवर होने की वजह से ये आपको बड़ी मज़ेदार लगेगी, इसीलिए एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। कुछ देर के बाद ये इस तरह लाइट ब्राउन हो जाएंगी। ऐसा होने पर आप इन्हें एक अलग बोल में निकाल लीजिए। इसके बाद हम गैस को मीडियम फ्लेम पर सेट करके एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 1.5 यानी 1.5 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद आप डालिए 4 से 5 कली इस तरह कूटा हुआ लहसुन। मिक्स कर दीजिए इसको। फिर हम डालेंगे 6-7 करी पत्ते। इनसे नमकीन में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इनके साथ में ही आप 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चुटकी हींग डालकर मिला दीजिए। फिर हम इसमें तुरंत ही 4 कप मुरमुरे डाल देंगे। वजन में ये करीब 100 ग्राम है। मिला लीजिए इनको अच्छे से। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर हो गया है इनका। अब आप तलकर रखी हुई मूंगफली इसमें डाल दीजिए। मुरमुरे की नमकीन में मूंगफली बहुत अच्छी लगती है, आप इसे जरूर डालिएगा। इसके बाद मसालों में जाएगा लाल मिर्च पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और सफ़ेद नमक। ये सारे मसाले हमने 1/4 टीस्पून के बराबर लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक से मिक्स कर लीजिए इनको ताकि सारे मसाले मुरमुरों पर अच्छे से लग जाएं। 1 मिनट और पका लेते हैं इनको ऐसे ही। 1 मिनट के बाद हम इन्हें चेक कर लेंगे। ये देखिए कितने क्रंची हो गए हैं। अब आप गैस बंद कर दीजिए और इसे थोड़ी देर पंखे की हवा में रखकर ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद ही सर्व कीजिए। स्टोर करने के लिए हमें इसे एयरटाइट कंटेनर में रखना है, इससे ये 2 महीने तक खराब नहीं होगी। शाम की चाय के साथ ये नमकीन बहुत अच्छी लगती है। रेसिपी भी बहुत ही आसान है, आप इसे पक्का से ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।